हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल का नेट टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो कई इनकम ऐसे होते हैं जो रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है पर नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो अगर हमें उसके रेसिडेंशियल स्टेटस का पता नहीं होगा कि वो रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था, तो फिर हम नेट टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर यानी जिस साल आप इनकम अर्न करते हो उस साल रेसिडेंट किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस क्या था। तो देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्टेटस होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो दो प्रकार का होता है। आइदर वो रेसिडेंट होता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट होता है। अगर वो रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर आपको ये निकालना होता है कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है ना। ये उसका स्टेटस का क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट के लिए दो बेसिक कंडीशंस होता है और दोनों में से कोई एक फुलफिल करना होता है। यहां पे मैंने लिखा है एनी वन, इस चीज को फॉलो करो। तो दो कंडीशंस में से कोई एक उसे फुलफिल करना होगा। अब ये दोनों कंडीशन जो है आपके स्क्रीन में है, अब बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। देखिए, पहला कंडीशन कहता है ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। यानी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, प्रीवियस ईयर में वो कम से कम भारत में 182 दिन रहा था, उससे कम नहीं। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त कहता है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा शर्त कहता है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम उसे 60 दिन भारत में रहना होगा और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 दिन रहना पड़ेगा। तो अगर ये दो कंडीशन आपने सीखा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला कंडीशन कहता है कि उसे भारत में प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहना है और दूसरा कंडीशन कहता है कि प्रीवियस ईयर में उसे भारत में रहना है 60 डेज और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में उसे रहना है 365 दिन, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन पूरा कर लेते हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक। अब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये जो 60 दिन वाला रूल है, आई मीन जो सेकेंड वाला केस का जो 60 डेज वाला रूल है, इसका कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। क्या है एक्सेप्शनल केसेस? कि दो केस ऐसा है जहां पे वो 60 दिन जो है 182 दिन में बदल जाता है। ऐसा कब कब होता है? तो पहला है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो एक नागरिक है भारत का, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ध्यान से समझना कि अगर कोई इंडिविजुअल भारत छोड़ देता है प्रीवियस ईयर में, भारत छोड़ के चला जाता है, क्यों चला जाता है? तो फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी यहां पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में भारत छोड़ के विदेश चला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके लिए ये जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में आपने पढ़ा था, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में जो 60 डेज था, ये देखिए जो 60 डेज है ये बदल करके 182 डेज हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो भारत छोड़ के चला जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए ये जो रेसिडेंट होने का दूसरा वाला कंडीशन है वो 60 दिन की जगह उसको कितना दिन रहना होगा? 182 दिन रहना होगा। यानी उन लोगों के लिए ये दूसरा वाला कंडीशन क्या हो जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम भारत में 182 दिन रहा हो
और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 दिन रहा। बात समझ गए? ये पहला एक्सेप्शनल केस हो गया। दूसरा एक्सेप्शनल केस है कि अगर इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ऑन द इन द प्रीवियस ईयर मस्ट हैव स्टेड 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। दूसरा एक्सेप्शनल केस कहता है अगर कोई इंसान, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारतीय नागरिक है, या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका ओरिजिन इंडिया में है। ओरिजिन इंडिया में होने का मतलब कि या तो वो खुद या फिर उसके दादाजी या फिर उसके पापा जी इंडिया में जन्म लिए हो, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे लोग जो नॉर्मली विदेशों में रहते हैं, भारत में नहीं रहता, विदेशों में रहता है, लेकिन इंडिया आया हुआ है टूर के लिए, यहाँ पे विजिट किया है टूर के लिए, घूमने आया हुआ है या फिर किसी और काम से आया हुआ है, तो ऐसे लोगों को ये जो आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 था रेसिडेंट के लिए, तो ये जो 60 डेज था ये वापस कितना हो जाएगा, 182 डेज। तो ऐसे लोगों के लिए ये दूसरा वाला जो कंडीशन है वो किस तरह का होगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसे लोगों को यहाँ पे 182 डेज रहना होगा और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 दिन रहना होगा। तो ये आपने सीखा कि एक इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट कब डिक्लेयर करते हैं, कब घोषित करते हैं। अब फिर आप यहाँ पे अपने स्क्रीन में देखो कि एक बार अगर आप रेसिडेंट घोषित हो जाते हो तो ये निकालना होता है कि आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आप कब होंगे, अब आप अपने स्क्रीन में देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस लिखा है, तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए यहाँ पे 2 एडिशनल कंडीशंस है और दोनों ही फुलफिल करना होता है बोथ। तो पहला कंडीशन कहता है कि यू मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर के, बढ़िया से समझो, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल आप रेसिडेंट रहे हो। और रेसिडेंट कैसे रह सकते हो, अभी अभी हमने डिस्कस किया। और दूसरा शर्त कहता है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में आपको भारत में रहना होगा 730 दिन। अगर ये दोनों शर्त आप पूरा कर लेते हो तो रेसिडेंट तो आप पहले ही हो चुके थे, तो अब आप कहलाओगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर ये दोनों शर्त आप एक साथ पूरा नहीं कर पाते हो तो रेसिडेंट तो आप पहले ही कहला चुके थे, तो अब आप कहलाओगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये आपने सीखा किस तरह से हम लोग इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं।